ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा है इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो बनेगा। लोकेश करेंगे फिल्म को डायरेक्ट, क्या बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे लोकेश? क्या बदलाव करेंगे सलमान इस फिल्म के लिए? इस फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में बनती हैं जो कभी हमें सोशल मैसेजेस, कभी हमें सोसाइटी के असली चेहरे से भी वाकिफ कराती है। कुछ ऐसा ही काम हमने फिल्म मास्टर को करते हुए देखा था। मास्टर फिल्म जो साउथ में रिलीज हुई थी। फिल्म में हमें विजय थलापति और विजय सेतुपति को देखा था। फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म को लोगों के तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद इस फिल्म को बॉलीवुड में रीमेक किया जाएगा। इस फिल्म में हमें लीड एक्टर के तौर पर नजर आएंगे सलमान खान। अब अगर नाम आ गया है भाई जान का तो फिल्म तो अच्छी होनी ही चाहिए, जिसके बाद फिल्म को ठीक उसी तरह से प्रेजेंट करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज को अप्रोच किया जाएगा फिल्म के हिंदी वर्जन को बनाने के लिए। अगर हम बात करें लोकेश की तो वो साउथ इंडस्ट्री के उभरते हुए डायरेक्टर में से एक है, जिन्होंने एक के बाद एक कई यादगार और हिट फिल्में दी है ऑडियंस को। बात करें अगर उनके फिल्म के करियर के बारे में तो उन्होंने अपने करियर की शॉर्ट फिल्म एवी याल से की, उसके बाद वो हमें दिखे साल 2017 में डायरेक्ट करते हुए मान गरम। लोकेश ने फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ साथ फिल्म की कहानी भी लिखी थी, जिसके बाद हमने उन्हें कैथी डायरेक्ट करते हुए देखा, जिसका हिंदी वर्जन हम जल्द ही बॉलीवुड में भी देखने वाले हैं, जिसमें हमें मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखेंगे अजय देवगन। वहीं उनकी तीसरी फिल्म थी मास्टर और उसके बाद उनकी रीसेंट थी विक्रम, जिसमें हमने कमल, विजय सेतुपति, फहद फासिल को मुख्य भूमिका करते देखा था। अपने अब तक के करियर में लोकेश ने वैसे तो 4 ही फिल्में ही की, पर उनकी हर फिल्म उनके पहले फिल्म से बेहतर होती है। अपने काम से लोकेश ने सबका दिल तो जीत लिया, जिसके बाद कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लोकेश हमें फिल्म मास्टर से बॉलीवुड में डेब्यू करते हुए दिखे। वैसे कोई भी इंसान हो, अगर उसे सलमान खान के साथ मौका मिला काम करने का, तो वो ये मौका कैसे ठुकरा सकता है? क्या लगता है आपको इस बारे में? हमें अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वहीं अगर हम बात करें फिल्म में सलमान खान के लुक की, तो वो हमें एक सिंपल यूनिफॉर्म में दिख सकते हैं, फॉर्मल अटायर में, जिसमें वो शर्ट पैंट पहने हुए दिखेंगे। वहीं उनका बियर्ड लुक होगा, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। हाथ में वो एक वॉच पहने हुए दिखेंगे। साथ में फिल्म के कुछ सीन्स में वो हमें कैजुअल पहने हुए भी दिखेंगे। सलमान के लुक के साथ उनका ये टीचर अवतार देखने के लिए क्या लगता है आपको इस बारे में, हमें कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए आप करिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में।